बंदे नबी पाक इस्लाम के दरबार के अंदर हाजिर हुए, एक फैसला लेके आए। मेरे नबी पाक इस्लाम ने एक हक के अंदर फैसला फरमा दिता। जब नबी पाक इस्लाम ने फैसला फरमा दिता, जिसते हक के अंदर होया वो तो खामोश हो गया, जिसके खिलाफ होया उसनों बड़ी तड़प हुई, बड़ी जनाब वाला तकलीफ हुई। अर्ज करने लगा, अल्लाह के महबूब तू मेहरबानी करो, सानू सोने फरूक आजम को भेज दियो। यानी कि गोया उसने अल्लाह के महबूब के फैसले ते एतबार न किया, मेरे नबी पाक इस्लाम ने फरूक आजम दे भेज दिया। हुजूर ने फरमाया जाओ जिस वेले जनाब वाला गए, जिस बंदे दे हक फैसला, उस बंदे ने गल की, ऐ सोना फरूक आजम, ये बंदा जेड़ा पहले नबी पाक को गया, नबी पाक इस्लाम तो तस्लीम ने मेरे हक फैसला किया है और इस कमीने ने एतबार नहीं किया। हत्ता युहक्किमु का फेमस हजरा बैनहुम, इसके बाद इसने एतबार नहीं किया, फैसला रह के आया। हजरत फरूक आजम ने फरमाया, ओया बड़ा लचूड़ा बोल, अल्लाह के नबी ने इन्हें फैसला किया कि नहीं किया। अर्ज करने लगा, अल्लाह के नबी ने इन्हें फैसला किया। फरूक आजम ने फरमाया, होनी थाई पे ये फैसला फरूक आजम की जुबान नहीं करना, फरूक आजम की तलवार। तवज्जो है, फरमाया के फैसला अल्लाह दे महबूब दे गुलाम उमर फरूक ने नहीं करना। आपने फरमाया थाई ठहर, ए फैसला के आज फरूक के आजम दी तलवार करे सी, कैबेती सोबत पता चल गई सी, जात मुस्तफा नु बोकला तो दूर दी गल, जेड़ा नबी दे फैसले दा इनकार के करे फरूक आदम सर वट के। फरमाया के जात मुस्तफा का इनकार करना तो दूर की गल है, खत्मे नबूवत भौंकना तो दूर की गल है, खत्मे नबूवत डाके पाउना तो दूर की गल है। फरमाया जेड़ा फकत अल्लाह के नबी दे फैसले दा इनकारी हो जावे, फरूक आदम ने सर वट के रख दिता। आपने फरमाया नबी पाक अलैहि सलाम व तस्लीम दे फैसले तो वट के अंदर फैसला हो सकता है। आपने फरमाया जो फैसला मेरे महबूब ने किया फरूक आदम का फैसला ही हुआ है। जिस वेले जनाबे वाला जिस दे हक दे अंदर फैसला अल्लाह दे महबूब ने फरमाया, उसने वेख्या ना फरूक आजम ने उसका तो सर ला दिता, उसकी तो बोटियां बोटियां कर दी, दौड़ के गया रसूलुल्लाह दे दरबार दे अंदर। मेरे महबूब ने सलात व तशरीम ने फरमाया किवें आवण होया, अर्ज की आका जिस तुहाडा फैसला ठुकराया फरूक आजम ने वट के रख दिता है। अल्लाह दे महबूब ने फरमाया जेड़ा इत्थे भौंके मेरी जात दे बारे उसकी दुनिया दे उत्ते सजा है और मैदान है महशर, मेरे रब ने उन्होंने जनाब वाला जहन्नम का बाला बना देना। लिहाजा सानू अलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला आपने सबक दे दिता, आपने फरमाया मेरे नबी दी जात दरकिनार है, अगर मेरी नबी दी सिफात बारे कोई फौंके या हुजूर दी जात बारे कोई फौंके उस दी हिक्क ही सदा जेड़ा फरूक आदम जनाब वाला दुनिया ते देखेगा। जनाबे वाला नबी पाक इस्लात व तस्लीम के गुलामों ने तो ये सदावं दीतियाँ अज इस मुआशरे के अंदर और इस पाकिस्तान के अंदर, जिसका दिल आखे जनाबे वाला मेरे नबी के बारे फौंकी जावे, जिसका दिल आखे अजमत साहबा फौंकी जावे, जिसका दिल आखे अजमत अहले बैत फौंकी जावे, लिहाजा तहरीक लपक या रसूल अल्लाह एक गल बर्दाश्त नहीं कर सकती, साडे जिस्म के अंदर बाकी होवे और मेरे नबी नु भौंकण वाले दुनिया ते बाकी रहना।